पौड़ी बस अड्डे के समीप माल रोड में आए दिन होने वाले शराबियों के उत्पात पर सभासद अनीता रावत ने कड़ी नाराजगी जताई है। अनीता रावत का कहना है कि शहर का मुख्य मार्ग है, इस मार्ग पर बने जो है खोखे के समीप आए दिन कोई ना कोई शराबी पड़ा रहता है। वहीं इस मार्ग पर सुबह से ही शराबियों का जमावड़ा शुरू हो जाता है, जिसमें अधिकांश नेपाली मूल के लोग रहते हैं, जिसके कारण रस्ते को ऐसे जो है रोज गुजरने वाली स्कूल की बच्चियों समेत महिलाओं को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने पुलिस प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे नशा मुक्त उत्तराखंड अभियान पर सवाल उठाते हुए कहा कि मंडल मुख्यालय पौड़ी के बस अड्डे पर जब यह हाल है तो इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन्होंने पालिका प्रशासन, जिला प्रशासन तथा पुलिस प्रशासन से बस अड्डे पर उत्पात मचाने वाले नशेड़ियों पर अंकुश लगाने की मांग की, तो वहीं पालिका प्रशासन की ओर से अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए चालानी कार्रवाई की गई। पहले तो प्रशासन से ये शिकायत है कि ये हमारी मेन मुख्य रोड है और इस रोड में पुलिस प्रशासन, डीएम, सारे ये अधिशासी अधिकारी, हमारी नगर पालिका, आना जाना इनका लगा हुआ रहता है। लेकिन जो ये हमारी यहाँ पर दुकानें खुल रखी हैं, अक्सर यहाँ पर कोई ना कोई दारू पी के सुबह से शाम तक लेटे रहते हैं। और जबकि ये तिराहा है, ऊपर से लेकर नीचे तक स्कूली बच्चों से लेकर ये मेन बाजार का रास्ता है। माँ बहनें, बेटी बहुएं आती जाती रहती हैं। तो बार बार हम जगह जगह बार बार उनका चलानी कार्रवाई कर रहे हैं और उनको बार बार हमने चेतावनी दी है कि इस तरह की चीजें ना करें और हमारी चलानी कार्रवाई चल रही है। अतिक्रमण पे तो कई जगह इस तरह खोखे वगैरह लगे पर इसलिए स्पेशल नहीं, जो शराब के जो लोग शराब पी के उपद्रव कर रहे हैं उनको पुलिस देखेगी इस तरह के उपद्रव न किया जाए। अच्छा ठीक है, ये फैक्ट मेरे संज्ञान में नहीं था, मैं अभी आप दोनों को बता रहा हूँ इंस्पेक्टर तुमको, तो इस पे करेंगे कार्रवाई। अगर ऐसा कुछ है तो जरूर इस पे कार्रवाई, क्योंकि सर वो आने जाने का रास्ता है तो कहीं लोगों का आपने संज्ञान में लाई है बात, तो इसमें आपको अच्छा।